में कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस बीच पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम और तेज कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट की तैयारियों का जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को पुणे जाएंगे, इसकी पुष्टि पुणे के डिविजनल कमिश्नर ने की है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नामक वैक्सीन का इंडिया में तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है, जबकि इस वैक्सीन को बनाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने अन्य देशों में तीसरे फेज का ट्रायल खत्म कर दिया है और वैक्सीन अप्रूवल के लिए यूके अथॉरिटी के सामने प्रपोजल भेजा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम भी तेज कर दिया है। कई लाख डोज तैयार हैं, जैसे ही हरी झंडी मिलती है सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा। इन सब तैयारियों को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 28 तारीख को जाएंगे। उस दिन कुछ भी ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले पीएम ने कोरोना संकट पर मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना के बढ़ते केस और वैक्सीन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा, अगर मुख्यमंत्रियों के पास कुछ और सुझाव हैं तो लिखित में हमें दें। कोरोना की वैक्सीन पर पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी को राजनीति करने से नहीं रोका जा सकता। पीएम ने कहा, वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये भी राज्यों के साथ मिलकर ही तय होगा।